छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के युवकों की देवास में मौत हुई है। देवास के पास डिवाइडर से कार टकरा गई और एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। हादसे में दो युवक घायल हुए हैं। सभी युवक चिरमिरी के हल्दीबाड़ी के रहने वाले हैं। महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे थे। मृत युवकों के शव को चिरमिरी लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर और एक बड़ा हादसा, दो युवकों की हादसे में मौत हो गई है। देवास के पास डिवाइडर से यहां पर कार टकरा गई, ये बताया जा रहा है। सड़क हादसे में दो युवकों की मौत और हादसे में दो युवक घायल हैं। सभी युवक चिरमिरी के हल्दीबाड़ी के रहने वाले थे, ये बताया जा रहा है। महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे थे और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ के। सतीश, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और जिन दो लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है उनकी क्या स्थिति इस वक्त? देखिए, आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से ये जो युवक हैं, ये चार युवक एक कार में ये उज्जैन के लिए निकले हुए थे। उसी दौरान देवास के पास ये हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि किस तरह से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिससे घटना के बाद से दो युवकों की जो मौत मौके पर ही हो गई है, जिनके नाम जो सामने आ रहे हैं, सुमित डगावकर और रोनी चौधरी, ये दो लोगों की मौके पर मौत हुई है। वहीं मनीष साहा और शेखर झा ये जो घायल हुए थे, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल था, दोनों को इंदौर भेजा गया है इलाज के लिए। और जो मृतक हैं, इनके शव को वापस चिरमिरी लाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन जो है वहां पहुंचे थे और इसके बाद उनको लेकर के आ रहे हैं। तो पूरे चिरमिरी में शोक का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इस तरह की जो घटना, क्योंकि ये उज्जैन के लिए निकले थे महाकाल के दर्शन के लिए, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये देवास के पास जानकारी मिल रही है कि डिवाइडर से ये गाड़ी टकराई है, जिसके बाद जो है दो लोगों की मौके पर मौत हुई है। और जो गाड़ी है ये ब्रेजा गाड़ी है, जिसका नंबर CG16CP7271 ये गाड़ी का नंबर है। और ये एक बड़ी घटना जो सामने आई है। सतीश, डिवाइडर से कार टकरा गई, ये जानकारी आपने दी, लेकिन किस वजह से टकराई, क्या तेज रफ्तार में थी या कार में कोई तकनीकी खराबी थी, जांच पड़ताल की गई है क्या अब तक? देखिए, चूंकि अभी परिजन कुछ बताने की स्थिति में, लेकिन जो सामने जो जानकारी निकल के आई है कि जब ये दो दिन पहले जब ये चिरमिरी से ये निकले थे उज्जैन जाने के लिए, इसी दौरान ये देर शाम की घटना बताई जा रही है कि देवास के पास ये घटना हुई है। और चूंकि जब पूरी डिटेल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये हादसा हुआ है और छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से युवक गए थे, तो पूरी जानकारी बाद में ये निकल के सामने आ पाएगी कि आखिर किस कारण से कार जो है टकराई है। चलिए सतीश, तो अपडेट आपसे लेंगे कि जांच पड़ताल में आगे क्या खुलासे होते हैं, किस वजह से ये हादसा आखिर हुआ था। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।